आज धनबाद परिसदन में जेजे की बैठक संपन्न, आंचलिक पत्रकारों को सुरक्षा देने पर दिया गया जोर। आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन की बैठक धनबाद परिसदन में संपन्न हुआ, जिसमें आंचलिक पत्रकारों की सुरक्षा पर जोर दिया गया। आज के बैठक में महासचिव पंकज कुमार सिन्हा एवं शौकत खान की अगुवाई में मनीष कुमार झा को जिला प्रवक्ता एवं अमित कुमार को सोशल मीडिया प्रभारी का दायित्व दिया गया। आइए आपको सुनाते हैं अध्यक्ष शौकत खान एवं सचिव पंकज कुमार सिन्हा ने क्या कहा। आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का धनबाद इकाई की एक बैठक हुई। बैठक के दौरान एक नई कमेटी का पुनर्गठन किया गया और कमेटी अब नई कमेटी धनबाद जिले में काम करेगी और पत्रकारों की समस्याओं और उसके जो जटिल समस्या हो उस पर ध्यान देगी। यही एक ऐसा एसोसिएशन रहा है जो लगातार आंचलिक पत्रकारों के लिए काम करता रहा है। नए सदस्य जुड़ना चाहें तो उसके लिए क्या मापदंड है इस बार का? नए सदस्यों के लिए मापदंड ये है कि वो किसी भी अखबार से, किसी भी मीडिया से, कहीं से भी वो जुड़ा हुआ हो और तभी उसको हम लोग सदस्यता देंगे। और सिर्फ रोड पर चलने वाले किसी को या कोई किसी को हम लोग सदस्यता नहीं दे सकते, क्योंकि अभी बहुत से फर्जी भी घूम रहे हैं रोड पर, वैसे लोगों की जेजे में कोई जगह नहीं है। आंचलिक पत्रकार अपने आप को सुरक्षित समझे, इसके लिए क्या व्यवस्था कर रही है ये संस्था? आंचलिक पत्रकार सुरक्षित रहेंगे और इसके लिए हमेशा हमारा जेजे जो है संगठन काम करते आ रही है। अभी आपने देखा चतरा में एक पत्रकार की हत्या हुई थी, जिसको कि आज झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन का अथक प्रयास, काफ़ी मेहनत के बाद हमारे जो संस्थापक हैं शाहनवाज हसन, उनके अथक प्रयास से आज उनकी पत्नी को नौकरी और नियोजन मिला, जो कि ये भी बहुत बड़ी बात है कि एक पत्रकार की पत्नी को उसकी हत्या के बाद उसके परिवार आज बढ़िया खुशी और अच्छे से ज़िंदगी बसर करे, इसके लिए व्यवस्था किया। और अभी आप देखे होंगे कि एक धनबाद के ही पत्रकार थे खुर्शीद, जो अभी गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, अभी बॉम्बे में इलाजरत है, उसके लिए भी हमारे संगठन ने सरकार से अभी 3.5 लाख का रुपये देने का काम किया है इस इलाज के लिए, जो कि अभी वो सुरक्षित है और इलाज उनका सफल हो चुका है। ये पत्रकारों हित में हमेशा झारखंड जर्नलिस्ट एसोसिएशन काम करते आ रही है और आगे भी करते रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज का कार्यक्रम एक बहुत ही अच्छा सफल प्रयास है। मैं धनबाद जिले के सभी पत्रकारों से ये कहना चाहूँगा कि अब वो निर्भीक होकर के आराम से अपनी पत्रकारिता या जहाँ भी रिपोर्टिंग करना है अपना करते रहें। उन्हें डरने का, भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। किसी प्रकार की कोई समस्या होती है अगर अपनी समस्या हमें सुनाए, हम उनके साथ हैं, पूरी लड़ाई लड़ेंगे उनके लिए, बशर्ते वो अपने जो उनके जो प्रयास हैं वो लीगल होना चाहिए, तभी हम उनके साथ देंगे। समस्याएं तब आती है जब आंचलिक पत्रकार जाते हैं रिपोर्टिंग करने और उन्हें झूठा आरोप लगाया जाता है, रंगबाजी लेने आए थे, जबकि वास्तविकता में वो पत्रकारिता करने जाते हैं, वास्तविकता दिखाने से रोका जाता है, उसके लिए क्या प्रोग्राम है? उसके लिए प्रोग्राम है कि अगर कहीं भी किसी पत्रकार के साथ ऐसा कुछ होता है तो आकर के अपना जो भी उनके साथ गलत व्यवहार हो रहा है या वसूलती हो रही है या फर्जी कह करके उनका मजाक उड़ाया जा रहा है, वो उसके खिलाफ़ रिपोर्ट करें, हम लोग उसके खिलाफ़ एक्शन लेंगे, जिला पदाधिकारी से मिलकर, उपायुक्त महोदय से मिलकर, जो हम लोग से बन पड़ेगा उचित कार्रवाई हम लोग करेंगे।